उन्नीस नंबर सवाल देखिए, कहता है जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है वाई बराबर जीरो, यानी कि वाई बराबर जीरो जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं ये चेक करना है। देखिए शून्यक क्या होता है, ये बहुपद आपको दिया हुआ है, ये वाई का मान दिया हुआ है, अगर इस वाई का मान हम इस बहुपद में रखेंगे और बहुपद का मान जीरो आता है तब हम कहेंगे कि वाई बराबर जीरो जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर इस बहुपद का मान जीरो नहीं आया तो हम कहेंगे कि वाई बराबर जीरो जो है इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस बहुपद में वाई का मान हम जीरो रख के देखते हैं, अगर शून्य आ गया बहुपद का मान तो ये शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं आया तो फिर ये शून्यक नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार हम सबको चेक करेंगे। 20 नंबर भी वही है, जैसे इसको हम बनाएंगे उसी प्रकार इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, फर्स्ट जो सवाल है इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। दिया हुआ है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है जहाँ वाई बराबर जीरो, कह रहा है कि वाई का मान जीरो जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं से बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे कि वाई का मान जीरो जो है इस बहुपद में हम रखेंगे, अगर इस बहुपद का मान जीरो आता है तो ये शून्यक होगा, अगर बहुपद का मान जीरो नहीं आएगा तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए वाई बराबर जीरो पर, ठीक है, ये बहुपद में रखिए तो पी जीरो बराबर जीरो का होल स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। तो देखिए y का मान जीरो हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान क्या रहा है, जीरो आ रहा है, यानी क्या है y बराबर जीरो जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ शून्यक है, शून्यक है, यही आंसर हो जाएगा। दो नंबर सवाल देखिए, इसमें आपको बहुपद दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस वन और एक्स का मान दिया हुआ है माइनस एक बटा तीन, क्या एक्स का मान जो माइनस एक बटा तीन है इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए चेक करते हैं, इस बहुपद में हम x का मान जो है इतना रखेंगे, अगर बहुपद का मान जीरो आ जाता है तो ये शून्यक होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो फिर शून्यक नहीं होगा। यहाँ देखिए पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन, ये बहुपद है, x का मान हम रखेंगे माइनस एक बटा तीन, तो देखिए इस बहुपद का मान कितना होता है, p माइनस एक बटा तीन बराबर तीन गुना माइनस एक बटा तीन प्लस वन, तो तीन से तीन ही कट गया, बचा माइनस वन और ये बचा प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। यानी कि एक्स का जो मान ही है ये बहुपद में हम रख रहे हैं तो बहुपद का मान जीरो आ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का ये जो मान है ये बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ एक शून्यक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस एक बटा तीन जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीन देखिए, इसमें बहुपद दिया हुआ है टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स का मान दो दिया हुआ है, तो देखिए क्यू टू बराबर टू प्लस एक्स, एक्स जगह पर दो रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है यानी दो का होल स्क्वायर, तो दो और दो कितना हो जाएगा चार, माइनस दो का स्क्वायर कितना होता है चार होता है, तो चार में चार चल जाएगा जीरो बचेगा, यानी हम देख रहे हैं कि एक्स का मान हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी एक्स बराबर दो जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। सवाल नंबर चार, इसमें जो बहुपद दिया हुआ है पहले उसको लिखिए क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देखिए पहले चेक करते हैं एक्स बराबर दो पर, ठीक है, एक्स बराबर दो पर ये हो जाएगा क्यू टू बराबर दो का होल स्क्वायर माइनस दो गुना दो, तो दो का स्क्वायर चार माइनस दो में दो से गुना करेंगे चार, तो चार में से चार घट जाएगा जीरो बचेगा, यानी क्या है शून्यक है। यहाँ लिखिएगा कि एक्स बराबर दो बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक है, ठीक है। फिर देखिए इसमें एक और दिया हुआ है, जीरो भी दिया हुआ है, तो इसको भी चेक करते हैं एक्स बराबर जीरो पर, ये बहुपद में अब एक्स की जगह पर हम जीरो रखेंगे, यहाँ देखिए क्यू जीरो बराबर जीरो का होल स्क्वायर
माइनस टू इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस टू में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, क्या हो गया जीरो। तो देख रहे हैं कि एक्स का मान जीरो हम इस बहुपद में रख रहे हैं, तो बहुपद का मान क्या रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये भी क्या है शून्यक है। यहाँ लिखेगा कि एक्स बराबर जीरो बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सवाल नंबर पाँच को हम देखते हैं, इसमें बहुपद दिया हुआ है एफ टी बराबर टी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ देखिए टी का दो मान दिया हुआ है, क्या ये दोनों मान इसका शून्यक है कि नहीं से हमें चेक करना है। तो यहाँ देखिए टी बराबर एक पर, आगे इसको हम चेक करते हैं, तो एफ वन बराबर एक का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन बराबर जीरो। तो देखिए इस बहुपद में चार टी का मान हम जब एक रख रहे हैं, तो इस बहुपद का मान क्या रहा है, जीरो आ रहा है, यानी क्या है शून्यक है। यहाँ लिखेगा टी बराबर वन बहुपद एफ टी का एक शून्यक है, ठीक है। फिर देखिए एक और दिया हुआ है यहाँ पे टी का मान माइनस वन दिया हुआ है, इसको भी चेक करिए, तो टी बराबर माइनस वन पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस वन बराबर टी स्क्वायर, यानी कि माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक, माइनस एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस वन जीरो। देखिए टी बराबर जब हम माइनस वन उस बहुपद में रख रहे हैं चार की जगह पे, तो उस बहुपद का मान क्या रहा है, जीरो आ रहा है, यानी ये भी क्या है शून्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ शून्यक है। सवाल नंबर छः देखिए, इसमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस वन, क्या इस बहुपद का शून्यक है, तो चेक करते हैं, यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस वन पर, तो हो जाएगा पी माइनस वन बराबर एक्स, यानी कि माइनस वन प्लस वन। यहाँ देखिए एक्स, एक्स का मान रखेंगे क्या माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया जीरो। यहाँ देखिए माइनस वन माइनस टू ये माइनस थ्री, माइनस तीन में जीरो से गुना करिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या है, ये शून्यक है। अब यहाँ देखिए फिर एक्स बराबर ये कितना दिया हुआ है, दो है, तो दो को भी चेक करते हैं, एक्स बराबर दो पर पी टू बराबर, यहाँ देखिए एक्स की जगह पर दो रखे, अब इसकी जगह पर दो रखेंगे यहाँ पे, यानी कि दो प्लस वन दो माइनस दो, तो दो और एक तीन हो जाएगा इंटू दो में दो घटा देंगे तो जीरो, तीन में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, यानी एक्स का मान जब हम दो रख रहे हैं इस बहुपद में चर की जगह पे, तो इस बहुपद का मान क्या रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि एक्स बराबर माइनस वन और दो ये दोनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो आंसर क्या इसका हो जाएगा, हाँ। अब सवाल नंबर सात देखिए, इसमें बहुपद आपको दिया हुआ है फोर यू स्क्वायर प्लस वन, और u बराबर एक बटा चार दिया हुआ, क्या ये जो है इसका शून्यक है, तो चलिए चेक करते हैं, u बराबर एक बटा चार पर इस बहुपद में रखेंगे u की जगह पे, तो एक बटा चार बराबर चार गुना u का स्क्वायर, यानी कि एक बटा चार का स्क्वायर प्लस वन, चार गुना देखिए एक बटा चार का स्क्वायर क्या होगा, एक बटा सोलह प्लस वन, चार चक सोलह, एक बटा चार प्लस वन, एलसीएम निकालिए, तो एक चार एक एलसीएम चार हो गया, तो ये हो जाएगा एक प्लस चार, यानी कि चार और एक पाँच बटा चार। देखिए यू का मान हम एक बटा चार इस बहुपद में रखे, तो बहुपद का मान जीरो नहीं आया, पाँच बटा चार आया, तो ई जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा कि नहीं, यू बराबर एक बटा चार जो है इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है, नहीं इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 20 देखिए, कहता है जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद का शून्यक है। तो जिस प्रकार हम 19 नंबर क्वेश्चन को बनाया सेम टू सेम वही है, उसी टाइप का ये भी है, ठीक है। तो चलिए पहला जो सवाल है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू, और यहाँ पर एक्स का दो मान दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि ये जो मान है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, इसे चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक्स बराबर दो पर ये देखिए पी टू बराबर एक्स का मान रखेंगे दो प्लस दो, तो दो और दो चार,
देखिए एक्स का मान जब हम दो इस बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान जीरो नहीं आ रहा है, चार आ रहा है। तो इसको लिखिएगा कि एक्स बराबर दो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक नहीं है, ठीक है। फिर देखिए अब हम एक्स बराबर माइनस दो लेंगे, ठीक है, एक्स बराबर माइनस दो पर इसको भी चेक करते हैं कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो p माइनस टू बराबर माइनस दो प्लस दो, तो माइनस दो प्लस दो कट गया, क्या बचा, जीरो। तो जब हम एक्स का मान माइनस दो बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या है, शून्यक है। यानी एक्स बराबर माइनस दो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। अब सवाल नंबर दो देखिए, इसमें बहुपद दिया हुआ है क्यू एक्स बराबर दो बटा पाँच एक्स क्यू प्लस एक बटा पच्चीस एक्स स्क्वायर माइनस चार बटा पाँच इंटू एक्स माइनस सैंतालीस, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स बराबर पाँच, यानी कि एक्स बराबर पाँच जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं इसे चेक करना है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा एक्स बराबर पाँच पर इस बहुपद में चार जो एक्स दिया हुआ है इसके जगह पर हम पाँच रखते हैं और देखते हैं कि इस बहुपद का मान कितना आता है। क्यू फाइव बराबर दो बटा पाँच गुना एक्स क्यू यानी कि पाँच का होल क्यू प्लस एक बटा पच्चीस इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि पाँच का होल स्क्वायर माइनस चार बटा पाँच इंटू एक्स, एक्स जगह पाँच रखेंगे माइनस सैंतालीस। तो दो बटा पाँच गुना पाँच का होल क्यू पाँच गुना पाँच गुना पाँच पच पचे पची पची पचे एक सौ पच्चीस प्लस एक बटा पच्चीस इंटू पाँच का स्क्वायर कितना होगा, पच पचे पच्चीस होगा माइनस चार बटा पाँच गुना पाँच माइनस सैंतालीस। देखिए 125 को 5 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 से 25 ही कट गया, 5 से 5 कट गया, तो दो में 25 से गुना करेंगे तो 50 प्लस एक है माइनस चार और माइनस कितना है सैंतालीस है, 50 और एक इक्यावन हो गया। देखिए माइनस चार और माइनस सैंतालीस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस इक्यावन, तो इक्यावन में इक्यावन घट जाएगा तो जीरो बचेगा। यानी एक्स का मान हम जब इस बहुपद में पाँच रखे तो बहुपद का मान देख रहे हैं कि जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स बराबर पाँच है ये पाँच जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। यहाँ लिखिएगा कि अतः एक्स बराबर पाँच इस बहुपद का एक शून्यक है, शून्यक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीरो भी दिया हुआ है तो इसको भी हम चेक करते हैं। यहाँ लिखेगा फिर एक्स बराबर जीरो पर, अब इस बहुपद में क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हम जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू जीरो बराबर दो बटा पाँच इंटू जीरो का होल क्यू प्लस एक बटा पच्चीस गुना जीरो का होल स्क्वायर माइनस चार बटा पाँच गुना जीरो माइनस सैंतालीस। यानी कि बहुपद में जहाँ जहाँ हम एक्स देखे उसके जगह पे जीरो रख दिए, ठीक है। देखिए जीरो का होल क्यू जीरो होता है, जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा प्लस, इसमें भी वही बात है ये भी जीरो हो जाएगा माइनस, जीरो में किसी संख्या से गुना करेंगे जीरो माइनस सैंतालीस। देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस सैंतालीस में जीरो जीरो जोड़ेंगे तो माइनस सैंतालीस होगा। यानी कि एक्स का मान जब हम जीरो रख रहे हैं बहुपद में तो बहुपद का मान जीरो नहीं आया, माइनस सैंतालीस आ गया, यानी ये जो है शून्यक नहीं है। नीचे जगह नहीं है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिएगा कि अतः एक्स बराबर जीरो इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है। सवाल नंबर तीन देखिए, इसमें बहुपद आपको दिया हुआ है पाँच एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसका शून्यक है कि नहीं से देखिए चेक करते हैं। एक्स बराबर माइनस एक बटा रूट पाँच पर क्या हो जाएगा, पी माइनस एक बटा रूट पाँच बराबर
पाँच गुना एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन बटा रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस वन, पाँच गुना माइनस वन का स्क्वायर वन होगा बटा रूट पाँच का स्क्वायर यानी रूट पाँच गुना रूट पाँच, रूट पाँच में रूट पाँच से गुना करेंगे रूट पच्चीस, रूट पच्चीस का वर्गमूल होता है पाँच, ठीक है प्लस वन, पाँच से पाँच कट गया तो एक बचा प्लस एक, एक एक कितना होता है दो, यानी कि इस बहुपद में एक्स का मान हम जब माइनस एक बटा रूट पाँच रख रहे हैं तो बहुपद का मान जीरो नहीं आया, तो ये जो है इसका शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि एक्स बराबर माइनस एक बटा रूट पाँच बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्स बराबर एक बटा रूट पाँच दिया हुआ है, ये शून्यक है कि नहीं से चेक करना। चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, बहुपद में इसका मान हम रखते हैं तो p इंटू वन बटा रूट पाँच बराबर पाँच एक्स स्क्वायर यानी पाँच गुना एक बटा रूट पाँच का होल स्क्वायर प्लस वन। देखिए पाँच गुना एक बटा रूट पाँच का स्क्वायर कितना होगा, होगा पाँच होगा प्लस वन, तो पाँच से पाँच कट गया तो क्या बचा एक और प्लस वन है, तो एक और एक क्या हुआ दो। तो देखिए एक्स का मान हम जब एक बटा रूट पाँच रख रहे हैं बहुपद में तो बहुपद का मान जीरो नहीं आ रहा है, दो आ रहा है, इसका मतलब है कि ई भी शून्यक नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले, ठीक है। ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का एक शून्यक जो है ज्ञात करना है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, फर्स्ट सवाल दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस पाँच, ये बहुपद है और इस बहुपद का एक शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक अगर निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जीरो कर देंगे यानी इस बहुपद का मान हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो एक्स का जो मान निकल के आएगा वही जो है शून्यक कहलाएगा, ठीक है। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस पाँच, इतना बराबर जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस पाँच इधर आ जाएगा तो ये माइनस पाँच हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक जो है माइनस पाँच होगा। यहाँ लिख दीजिएगा अतः माइनस पाँच बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दो को हम सॉल्व करते हैं, इसमें बहुपद आपको दिया हुआ है क्यू वाई बराबर वाई माइनस पाँच और इस बहुपद का एक शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे क्यू वाई बराबर जीरो यानी इस बहुपद का मान जो है हम जीरो के बराबर, देखिए क्यू वाई बराबर दिया हुआ है वाई माइनस पाँच, इतना बराबर जीरो, तब वाई बराबर क्या होगा, ये माइनस पाँच इधर आ गया तो प्लस में पाँच हो गया, तो यहाँ पर लिखिएगा कि पाँच बहुपद क्यू वाई का एक शून्यक है, ठीक है। सवाल नंबर तीन देखिए, इसमें बहुपद आपको दिया हुआ है थ्री एक्स और इस बहुपद का एक शून्यक निकालना है, तो देखिए पी एक्स बराबर जीरो, इस बहुपद को हम जीरो के बराबर लिख देंगे तो एक्स का जो मान निकल के आएगा इस बहुपद का शून्यक होगा, पी एक्स दिया हुआ है थ्री एक्स, इतना बराबर जीरो, तो x बराबर क्या होगा जीरो, तीन गुना में इधर आके बटम हो गया, इसका मान क्या होगा जीरो होगा, तो x का मान जीरो आया, तो यहाँ लिखेगा कि जीरो जो है बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा या है शून्यक होगा, ठीक है। इस बहुपद का एक शून्यक क्या होगा जीरो। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर चार, इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन, ये बहुपद दिया हुआ है इसका एक शून्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे पी एक्स बराबर जीरो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा टू एक्स बराबर, ये प्लस वन इधर आ गया तो माइनस में वन हो गया, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस वन, दो इधर आके बटम हो गया माइनस एक बटा दो, तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि अतः माइनस एक बटा दो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, ठीक है।
अब सवाल नंबर 5 देखिए, बहुपद दिया हुआ है क्यू वाई बराबर ए वाई और इसका एक शून्यक लिखना है। तो यहाँ पर सॉल्व हम करते हैं, बहुपद है क्यू वाई बराबर ए वाई, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि क्यू वाई का जो मान है 0 के बराबर हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए क्यू वाई बराबर दिया हुआ है आपका ए वाई, इतना बराबर 0, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 और ए जो है इधर आके बटम हो गया, 0 में ए से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वाई का मान क्या आया, 0 आया। तो यहाँ लिखेगा कि अतः 0 बहुपद क्यू वाई का एक शून्यक होगा। सवाल नंबर 22 देखिए, जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस किस का शून्यक है। देखिए 4 बहुपद आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि -1 जो है किस किस बहुपद का शून्यक है, ये आपको चेक करके बताना है। तो सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। फर्स्ट सवाल है, इसमें बहुपद दिया हुआ है पी वाई बराबर 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस 2y का पावर 7। प्रश्न में दिया हुआ है -1, ठीक है। कह रहा है कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, से आपको चेक करके बताना है। तो देखिए y बराबर -1 पर इस बहुपद में चर y है और y की जगह पर हम -1 रखते हैं, अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो ये शून्यक होगा। चलिए चेक करते हैं। तो p1 बराबर 2 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू यानी -1 का होल क्यू प्लस 2 इंटू वाई का पावर 7 यानी -1 का 7। 2 प्लस, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस -1 का होल क्यू -1 होगा, प्लस 2 गुना -1 का पावर 7 है यानी कि ये हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ देखिए 2 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। देखिए 3 -1 -2 दोनों जुट जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, 3 में 3 घट गया 0। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः -1 इस बहुपद का एक शून्यक है, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें बहुपद आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर 5x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 -6, ठीक है। अब चेक करना है कि -1 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए x बराबर -1 पर इस बहुपद में चर x है और x की जगह पर -1 हम रखते हैं और चेक करते हैं कि इस बहुपद का मान 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो ये -1 इसका शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये शून्यक नहीं होगा। यहाँ देखिए p-1 बराबर 5 इंटू x का पावर 5 है यानी कि -1 का पावर 5 प्लस -1 का पावर 4 -6, 5 गुना -1 का पावर 5 है, ठीक है। तो इसका मान जो होगा -1 होगा, प्लस -1 का पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, -6, 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 प्लस 1 -6। यहाँ देखिए -5 -6 दोनों जुड़ेंगे तो -11 प्लस 1, -11 में 1 जुड़ेंगे तो -10, यानी कि इस बहुपद में x का मान हम -1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 0 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि -1 इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है, ठीक है, इसका नहीं आंसर होगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, पी एक्स बराबर 5x का पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2x -7 x बराबर -1 पर,
ठीक है, चेक करना है कि माइनस वन इसका शून्यक है कि नहीं। तो एक्स बराबर हम माइनस वन इस बहुपद में रखते हैं, बहुपद का मान जीरो आ गया तो शून्यक है, अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। यहाँ देखिए पी माइनस वन बराबर पाँच इंटू माइनस वन का पावर चार प्लस चार गुना माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस दो गुना माइनस वन माइनस सात, पाँच गुना माइनस वन का पावर फोर इसका मान एक होगा प्लस चार गुना माइनस एक का स्क्वायर एक होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस दो में एक से गुना करेंगे दो और माइनस सात है, पाँच में एक से गुना किए पाँच प्लस चार में एक से गुना किए चार माइनस दो माइनस सात, पाँच चार नौ, माइनस दो माइनस सात दोनों जुटेगा तो माइनस नौ हो जाएगा, नौ में से नौ घट गया जीरो, यानी कि x का मान माइनस वन हम इस बहुपद में रखे तो बहुपद का मान जीरो आ गया, यानी क्या है एक शून्यक है इस बहुपद का, अतः माइनस वन इस बहुपद का एक शून्यक है आंसर। सवाल नंबर चार, इसमें बहुपद आपका दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स बटा दो माइनस तीन बटा चार इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बटा चार। देखिए एक्स बराबर माइनस वन पर हमें चेक करना है कि माइनस वन इसका शून्यक है कि नहीं, तो एक्स की जगह पर हम माइनस वन रखेंगे, देखते हैं बहुपद का मान जीरो आता है कि नहीं। पी माइनस वन बराबर माइनस वन बटा टू माइनस तीन बटा चार एक्स क्यू यानी माइनस वन का होल क्यू प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर और बटा चार, माइनस वन बाई टू देखिए माइनस तीन बटा चार गुना गुना यहाँ पर रहता है, माइनस वन का होल क्यू होता है माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर एक होगा और बटा में क्या है चार है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एक बटा दो देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस तीन बटा चार प्लस एक बटा चार, दो चार चार का एलसीएम क्या होगा चार होगा, चार में दो से भागा दिए दो, दो में माइनस एक से गुना करेंगे माइनस दो प्लस उसी प्रकार ये तीन होगा और ये क्या होगा एक हो जाएगा। देखिए माइनस दो प्लस चार बटा चार, चार में दो घट जाएगा तो दो बचेगा बटा में चार है यानी कि दो यानी एक बटा दो, ठीक है। तो x का मान माइनस वन हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो बहुपद का मान जीरो नहीं आया, तो हम कह सकते हैं माइनस वन इस बहुपद का एक शून्यक नहीं है।